press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. 2 महीने में बर्थ सर्टिफिकेट बनाकर देने के लिए 20,000 रुपये की रिश्वत मांगने वाले, यह है मनपा के आस्थापना विभाग में कार्यरत नितिन राठौड़, जो आज रंगे हाथों यहां पर एंटी करप्शन ब्यूरो के जाल में फंस गए हैं। सवाल ये नहीं है कि मीरा भाईंदर मनपा में भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर फैला हुआ है और जो पकड़ा जाता है वो चोर बाकी शाहू, बल्कि उससे बड़ा सवाल यह है कि पकड़े जाने वाले मनपा के भ्रष्ट अधिकारी जेल से छूटने के बाद किसी तरह सेटिंग लगाकर फिर उसी जगह पर बेशर्मों की तरह और निडर होकर काम करने लगते हैं, जिन्हें सत्ताधारी और मनपा प्रशासन में बैठे आला अधिकारियों का भरपूर समर्थन मिलता रहता है। लेकिन इस बार शहर के उप महापौर चंद्रकांत वैती का ज़मीर जाग उठा और उन्होंने मनपा आयुक्त से कुछ इस तरह मांग की। आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या मांग की। साथ ही मनपा में बैठे काम कर रहे करप्ट अधिकारियों पर MLA गीताजन और मनपा आयुक्त बालाजी खदगावकर का क्या कहना है, ये भी हम आपको दिखाते हैं। लेकिन पहले जानते हैं कि चंद्रकांत वैती ने क्या मांग की। एक तर या शहराचा उपमहापौर या नात्याने निश्चित या झालेल्या गोष्टीबद्दल मला प्रचंड संताप आहे, राग आहे। सातत्याने हे अधिकारी आपल्या कर्तव्यावर असताना त्या कर्तव्याचा त्यांना पगार मिळतो, त्या व्यतिरिक्त ही वर्कमाई करण्यासाठी अशा प्रकारे या शहरातल्या भोळ्या भाबड्या जनतेला फसवायचं आणि त्यांच्याकडून अतिरिक्त पैसे उकळण्याचं काम नितीन राठोड यांनी केलेलं आहे। आता यांना महापालिकेकडून गाडी, कार्यालय हे सगळी व्यवस्था करून दिली जात असताना अशा प्रकारे ह्यांनी लाच घेणं, याचा मी निषेध करतो आहे। आणि त्यांना काल अँटी करप्शनने पकडलं, मी अँटी करप्शनच्या ह्या कृतीचं समर्थन करतो आहे, फार चांगलं काम केलं। परंतु मी आत्ताच आयुक्त साहेबांना पत्र देऊन आलो आहे की अशा अपप्रवृत्तीच्या लोकांना ह्या महापालिकेत पुन्हा सेवेत रुजू करून घ्यायचं नाही। किंबहुना याच्या आधी ज्या ज्या अधिकाऱ्यांनी अशा प्रकारचे भ्रष्टाचाराची कामं केली आणि त्यांच्यावरती लाचलुचपत खात्याने गुन्हे दाखल केलेले आहेत, त्या अधिकाऱ्यांना जो अधिकार पुन्हा दिलेला आहे महापालिकेच्या सेवेत, तो त्यांच्याकडून काढून घेण्यात यावा, त्यांना दुय्यम दर्जाचं काम द्यावं किंवा अकार्यकारी पदावरती त्यांची नियुक्ती करावी, असं मी सणसणीत पत्र आजच आयुक्तांना दिलेलं आहे। आणि मला विश्वास आहे येत्या 2 दिवसात ह्यांच्या सगळ्यांची पदं, ज्यांच्यावरती गुन्हे दाखल आहेत त्यांची पदं काढून घेण्यात येतील। मैं फिर कहती हूँ कि जो नियमों में है, मैं आयुक्त को बार बार कहती हूँ कि जो नियम में है उतना ही करें। अगर ऐसा कुछ हुआ है या जिस अधिकारी को जिस पद के लिए सस्पेंड किया गया है, अगर उसी पे बहाल किया गया है, तो उस पे ज़रूर एक्शन होनी चाहिए। और मैं आयुक्त को फिर कहूँगी कि उनको अकार्यकारी पद पर नियुक्त किया जाए। देखिए, दो बात है आपके माध्यम से, मैं आपको जानना चाहता हूँ कि दोबारा प्रतिनियुक्ति किसकी हुई, कि जो ट्रैप हुए वाले अधिकारी है। मेरे मालूम से शासन से ऐसे कोई अधिकारी की हमारे महापालिका में दोबारा प्रतिनियुक्ति नहीं हुई है। इसके अलावा भी ऐसा कोई है तो उसकी तहकीकत करके हम शासन को अवगत करेंगे, और जो ट्रैप एखादा अधिकारी हुआ होगा तो उसको अकार्यकारी पद के ऊपर नियुक्ति देते हैं। मीरा भाईंदर महापालिका में वर्ग 2 के बहुत बड़े मायने पे पद रिक्त है। मैंने शासन से रिक्वेस्ट किया है कि ज़्यादा अधिकारी प्रतिनियुक्ति के ऊपर देने के लिए। ये शासन का अधिकारी नहीं है, महापालिका का अधिकारी है। प्रभाग अधिकारी काम के लिए कोई सक्षम दूसरे अधिकारी नहीं, इसीलिए उसको काम दिया है। और उसका कोई ट्रैप का केस अभी तक कोई सिद्ध हुआ नहीं है, इट इज़ अंडर कंसिडरेशन। तो अगर ऐसा कोई ट्रैप का उसके खिलाफ काम होता है तो वह कार्यकारी पद के ऊपर उसको वर्ग करेंगे। राज्य सरकार का नियम है कि जो सरकारी अधिकारी या कर्मचारी अगर रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार होता है तो उसे दोबारा वहाँ पर बहाली न की जाए, ये सरकारी नियम है। लेकिन मीरा भाईंदर महानगर पालिका में इन नियमों की खुलेआम धज्जियाँ उड़ रही है। म्यूनिसिपल कमिश्नर और यहाँ के सत्ताधारी उन अधिकारी और कर्मचारी जो ट्रैप हुए हैं उन्हें दोबारा उसी जगह पर तैनात करने में काफ़ी मदद करते हैं। ऐसे में ये भ्रष्टाचार का खेल कब ख़त्म होगा और कैसे ख़त्म हुआ, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड और मीरा भाईंदर।